नमस्कार साथियों, तो आप लोग को इंतजार था कि मैं सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो कैसे क्या उसमें कटअप का आंकड़ा गिर सकता है, कैसे क्या रहेगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप खुद से भी जब आप पूरा डाटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह से जो आंकड़ा है वो रह सकता है। बाकी अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीपीएससी के वेबसाइट पे मैं हूँ। यहाँ पे आज के डेट में एक अपडेट आया है, इन सब अपडेट को मैं आपको दिखाऊंगा। बट सबसे पहले जो वीडियो का मेन कंटेंट है, जो कि मैं आपको पहले ही बता रखा था, वैसे मैं वो वीडियो बहुत पहले लाता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं रेगुलर वीडियो इधर मैं नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि टैग स्कूल भी जाना पड़ता है, फिर लेट से आना पड़ता है। तो होता क्या है, जो फिर एक मैं 10th वालों का क्लास है जो कि वो भी मैं लेता रहता हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत ज़रूर होता है। बट यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे मैंने मेन कंटेंट जो यहाँ पे तैयार किया है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीएस वालों का, यहाँ पे आपने देखा था कि रिजल्ट जब आया था तो सब कुछ कटअप इस तरह का था जो कि अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। बट मैंने जो आपको आंकड़ा बताया था वो लगभग लगभग यहाँ पे आप अगर आपने मेरा कटअप देखा होगा तो उसमें लगभग लगभग अगर आप यूआर का छोड़ दो तो सबके सब लगभग मैच हो रहे थे, जिसमें कि मैंने यूआर का भी पहले मैंने आपको 60+ ही बताया था, बट मैंने बाद में फिर उसे 60 के नीचे लाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआर का 63 और उसके बाद आप देख सकते हो कि बीसी मेल का 57 है। बाकी बात आप देख सकते हो कि यूआर फीमेल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, सबका 52 ही हो, 52 है। ईबीसी का यहाँ पे 50 है। तो मैंने आपको कहा था कि कटअप जो है अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है तो 3 से 4 नंबर का ड्रॉप दिखने को मिल सकता है। तो इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने ये वाला एक मैंने आपको पहले भी कभी इस वीडियो में बताया था, बट इस बार मैंने यहाँ पे 2 कॉलम यहाँ पे ऐड किया है, जो यहाँ पे फिल्ड इन TRE1, यानी कि जितनी भी सीटें TRE1 में फिल हुई हैं और बाकी जो रिमेनिंग सीट है इसको मैंने इधर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेल फीमेल का क्या सीट का रेशियो है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मेल में लगभग टोटल 2839 यहाँ पे आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ और ऐड होने के बाद ये करीब करीब 3000 के करीब फीमेल की सीट बनती थी। यहाँ पे आपको टोटल जो सीट था वो लगभग यहाँ पे मैंने इसको आप ऐड करोगे तो ये आंकड़ा कुछ और ये 8300 से हो सकता है हल्का कम है, बट टोटल जो सीट था वो 8395 था। यहाँ पे इस बार जो फिल किया गया है जो कि रिजल्ट में, इसमें आप देखोगे तो यूआर में टोटल 3119 का रिजल्ट दिया गया है। उस 3119 में 1199 जो है वो फीमेल है, यानी कि ये यूआर वाला जो रिजल्ट है उसमें 1199 फीमेल है। तो ये आप अगर देखोगे, ये मैंने निकाला कैसे, तो आप देख सकते हो कि ये सीएस वाला ये टोटल रिजल्ट है। यहाँ पे आप अगर सीएस वाले टोटल में अगर आप ऊपर में फीमेल टाइप करते हो यानी सर्च बार में, तो यहाँ पे आपको 1199 का आंकड़ा दिखाएगा, यानी कि टोटल के टोटल फीमेल ये यहाँ पे बस यूआर वाला है, ये आप हाँ ये वाला है यहाँ पे सीएस का टोटल। टोटल में आप अगर यहाँ पे फीमेल टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको 2068 टोटल आंकड़ा दिखाया गया, यानी कि टोटल जो फीमेल का सिलेक्शन है वो 2068 है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे अगर आप यूआर वाला जितना भी पेज है, यानी कि 60 पेज में लगभग यूआर का रिजल्ट दिया गया है, तो अगर आप 60 पेज को अगर आप अलग कर दो, तो यहाँ मैंने 60 पेज को अलग किया है, तो यहाँ पर अगर आप फिर से फीमेल टाइप करते हो तो करीब करीब यहाँ पे आपको 1199, यानी कि टोटल जो यूआर में फीमेल का आंकड़ा है वो 1199 है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस भी है, बट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 60वें पेज में बस मेल वाला ही सेक्शन है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कैच नहीं इन्होंने किया है। तो बाकी यहाँ पे 1199 फीमेल है। तो आप अगर देखो, अगर सीटों का जो टोटल आंकड़ा था ये आप TRE नोटिफिकेशन में देखो, तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करो, यहाँ पे ये कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे यूआर जो फीमेल है इसमें आपको करीब करीब 1197 सीट है, जबकि यहाँ पे सिलेक्शन 1199, यानी 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी लगभग लगभग फीमेल का टोटल यहाँ पे सिलेक्शन यूआर से हो चुका है। बाकी यहाँ पे अनारक्षित वाले में 2197 जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी जो ये मेल वाला जो आपको ये सीट का आंकड़ा है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये भी लगभग लगभग यहाँ पे फिल होता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो आप आंकड़ा देखो, बट यहाँ पे 250 की कमी है। तो ये 250 जो कमी है ये बस मेल वाले में कमी है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पे लगभग मेल वाले में कमी है। बाकी अगर आप देखो तो बीसी वाले में 1003 सीट थे तो 1003 को फिल कर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस में 830 थे तो 830 को फिल कर दिया गया है, ईबीसी में 1507 फिल हो चुके हैं, एससी में यहाँ पे सीटें 1336 थी जबकि 873 सीटें ही फिल हुई हैं, बाकी 463 यहाँ पे रिमेनिंग है।
बाकी यहाँ पे एसटी में अगर आप देखो तो यहाँ पे 97 में 44 फिल हुआ है, 53 रिमेनिंग है। तो जैसा कि अतुल सर ने कहा था कि ये सारी सीटें जो बच रही थी वो सबके सब जितना सीट का एलोकेशन यहाँ पे था वो टोटल के टोटल यूआर में ही सिलेक्शन हो चुका था, इस वजह से यहाँ पे आपको ये आंकड़ा इस तरह का दिख रहा है। अगर बातें इस तरह से हैं तो कुल मिला के बात कहने का ये है कि काफ़ी सारे अगर आप जिला का देखो डाटा तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो या तो डीवी नहीं करा रहे या फिर वो डीवी एक तो डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं करा पा रहे हैं या फिर जो भी वजह वो नहीं करा पा रहे। बाकी जिन्होंने करा लिया है तो उनका जब जांच एक ब्रॉड वे पे चल रहा है तो काफ़ी सारे लोग, अगर आप जिला का डाटा देखो तो बहुत सारे जिले में एक डाटा आया है, लिस्ट आ रहा है जिसमें कि सबको बाहर किया जा रहा है। किसी का एस्टेट मान लीजिए 23 का है, किसी का है ही नहीं, किसी ने अपना एकेडमिक 19 के बाद कंप्लीट किया है। तो इस तरह से वो लोग ट्रेनिंग में जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद भी वो लोग बाहर हो रहे हैं, कहने का मतलब ये टैग स्कूल होने के बाद भी। तो काफ़ी संख्या में जो लोग बाहर हो रहे हैं उसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो कंप्यूटर वालों की ही है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आप टोटल फील्ड में देखो तो ये 7378 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बाकी इस 62 को भी ऐड कर दोगे तो लगभग 7438 का रिजल्ट दिया गया है। और यहाँ पर सीटें जो हैं लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे तो आप इनको रिमेनिंग को ऐड करोगे तो ये 766 आएगा, बट टोटल जो 8395 में जो 7438 को माइनस करोगे तो आपको ये लगभग 1019 सीट मिलेगा, यानी 1019 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि अतुल सर का कहना है कि वहाँ पे कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे कैंडिडेट जिस तरह के अवेलेबल हैं तो ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि करीब करीब इतने ही सीटें 1019 या फिर 1500 के करीब सीटें और हो सकता है कि ये खाली हो। तो खाली हो तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का ये जो उन्होंने प्रावधान रखा है ये निश्चित रूप से आएगा। ये कब आएगा? ये अक्टूबर के, ये नवंबर के महीने में ही आएगा। वैसे मैं आपको ये डाटा फिर से एक बार बता देता हूँ कि टोटल फीमेल जो सीएस में सिलेक्शन हुआ है वो 2068 का हुआ, बाकी टोटल फीमेल सेलेक्टेड इन यूआर कैटेगरी में जो कि आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा था 3119, जो 3119 में 1199 यूआर फीमेल है, बाकी टोटल फीमेल इन अनदर कैटेगरी में 869 ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फीमेल का मैंने यहाँ पे आपको डाटा पूरा दिखाया, बाकी ये सब डाटा मैंने आपको दिखाया तो इन सब से आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि आखिर ये कटअप का आंकड़ा क्या हो सकता है, जो जब यहाँ पे सीटें ये सेकंड मेरिट लिस्ट जब आती है तब। यहाँ पे मैंने बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो आप कटअप जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे BCL हो गया, ये फिर जहाँ जहाँ आपको 39 दिख रहा है वहाँ पर कटअप गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि वो कटअप वहीं रहेगा। बस यहाँ पर जैसे जैसे लोग खाली होंगे तो फिर उसके जगह पे आपको जो एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वहाँ पे फिल किया जाएगा। बाकी आप यूआर में देख सकते हो ये 63 है, तो ये आंकड़ा आपको तीन से चार नंबर तक ड्रॉप होता हुआ देख सकता है, जब ये भारी मात्रा में मैं कह रहा हूँ कि सीएस वाले लोग जो हैं वो बाहर हो रहे हैं, यानी कि ये 60 से 59 के करीब आपको यूआर का यहाँ पर कटअप देखने को मिल सकता है। बाकी यूआर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको भले ही टोटल सारी फिल हो गए हैं लेकिन यहाँ पर फिल होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि सारे के सारे जेन्युइन कैंडिडेट ही हैं फीमेल में, तो वो लोग भी खाली हो रहे हैं। तो खाली होंगे तो वो निश्चित रूप से आपको ये 52 से ये यहाँ भी आपको 2-3 नंबर का ये डिक्रीज जो है वो निश्चित रूप से आपको दिखेगा। तो बाकी यहाँ पे EWS वाले में, यानी कि जहाँ जहाँ आपको ये 39 से ऊपर वाला जो ये नंबर है, जैसे कि EWS है या फिर EBC है या फिर यहाँ पे BC है, BC फीमेल है, ये जहाँ से जहाँ भी आपको 39 प्लस दिख रहा है तो इन सब के मार्क्स आपको निश्चित रूप से गिरते हुए कुछ दिखेंगे। काफ़ी लोग का कहना होगा कि यहाँ पे 63 जो यहाँ पे यूआर का है और यहाँ पे 57 जो बीसी का, यानी 5 नंबर के अंतर में यहाँ पे अगर आप देखो तो 1000 कैंडिडेट 1003 है, यानी कि हर एक नंबर पे लगभग 200 कैंडिडेट हैं। यहाँ बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो आंकड़ा है ये बीसी में है, जो हर एक नंबर पे 200 कैंडिडेट हैं। तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आंकड़ा हो सकता है थोड़ा और भी बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 200 के 200 कैंडिडेट जो भी हैं वो सारे के सारे जेन्युइन ही कैंडिडेट हैं। बहुत लोग, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि बाहर हो रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको ये कटअप का जो आंकड़ा है यहाँ बीसी वाले में और या फिर यूआर वाले में, मैं आपको कह रहा हूँ 3 से 4 नंबर का आपको ड्रॉप दिखने को बिल्कुल ही मिल सकता है, तो इसके लिए आप श्योर रहें। तो ये बाकी आप जब प्रोविजनल रिजल्ट आएगा तो आप उसको जरूर देखोगे, जो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो लगभग आपको वहाँ पे सही होता हुआ दिखेगा। तो आप लोग जिनका भी यहाँ पे कटअप से 2-3 नंबर 4 नंबर आप कम हैं तो आप निश्चित रूप से आप इस प्रोविजनल रिजल्ट से अपना ये होप बनाए रख सकते हो। बाकी जो भी लोग इस प्रोविजनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनसे एक ये अनुरोध जरूर रहेगा मेरा कि आप TRE2 का फॉर्म भी भर लें, क्योंकि
ये तो मैं आपको पूरा आंकड़ा दिखा के बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने लिए एक सेफ साइड भी रखो, जो अगर इसमें अगर आपका किसी तरह से कहीं अगर आपका अटकता है तो आपके लिए TRE2 का ऑप्शन रहे, क्योंकि आप देख सकते हो कि सीटों का जो एलोकेशन है ये इस तरह का है अभी बचा हुआ, बाकी जो भी सीटें आएंगी या ये TRE1 से जहाँ पे सीटें अवेलेबल ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 00 ये सब वगैरह हो गया, यहाँ पे सीटें जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो बाहर होंगे तभी यहाँ पे कट ऑफ गिरेगा। कहने का मतलब ये भी है, जैसे कि NA जहाँ कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे NA लिखा है, यानी कि नॉट अवेलेबल, यानी कि जितनी भी सीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो सब सबके सब फिल हो चुकी है, या फिर यहाँ पे कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे, दोनों तरह की बातें हो सकती है। तो यही सारी बातें हैं जो कि मुझे लगा कि आपको डाटा में दिखाना चाहिए। बाकी ये जो बहुत लोग का क्वेश्चन मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में रहता है जो कितने CS के कैंडिडेट अभी तक बाहर हुए हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ कि आप अगर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप अपने अपने DRC वाले में या BRC वाले में होंगे तो आपको उस ग्रुप में ये अपडेट मिलता होगा। जी, अगर आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप में अगर उसमें ज्वाइन होंगे, जो भी ग्रुप बना हुआ है हर एक जिले का 3800 का, तो उसमें एक DRC का ग्रुप बना हुआ है, एक BRC का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें आपको ये सारे अपडेट वहीं पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि या तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के NIC वेबसाइट पे भी मिल सकता है या फिर आपके ग्रुप पे ही मिलेगा। तो बट इसका ये एक्चुअल डाटा बताना थोड़ा मुश्किल है कि अभी तक कितने लोग बाहर हुए हैं, लेकिन जितना भी लिस्ट देखा जा रहा है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर CS वाले ही बाहर हो रहे हैं, बाकी ये स्टेट वाले में और ये सामाजिक विज्ञान में भी कुछ लोग बाहर हो रहे हैं, बट ये ज़्यादातर जो संख्या है ये CS वालों के ही हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने तरह के जो आपको जो क्राइटेरिया दिया गया था, जो ये हैं तब तब एलिजिबल है, वो है तब एलिजिबल है, इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कन्फ्यूजन में भी फॉर्म भरा और काफ़ी सारे लोगों ने चालाकी से भी फॉर्म भरा। तो कुल मिला के किसी ने कन्फ्यूजन में भरा या चालाकी से भरा, पकड़े सब जाएंगे, सबके सब बाहर ही होंगे। और ये आपने जैसा कि देखा होगा TRE2 का जो फॉर्म आया है उसमें सीटों का आंकड़ा CS में बस 172 ही अभी तक रखा गया, ऐसा नहीं कि उसको ऐड कर दिया गया, तो वो ऐड जब होना होगा वो आगे की बात है, बट उससे पहले प्रोविजनल रिजल्ट आएगा आपका, तभी कोई सीट ऐड करने का जो बात है वो सब होगा। जब सीटें जब बच्चे होंगे ही नहीं तभी ऐड वाली बात होगी, लेकिन CS में मुझे नहीं लगता है कि सीटें आगे ज़्यादा जा पाएंगी, क्योंकि कैंडिडेट अभी भी अवेलेबल हैं, कैंडिडेट सीटें तब आगे जाएंगी, जैसे कि SC फीमेल हो गया यहाँ पे नॉट अवेलेबल, ये वाली सीटें ज़रूर आगे जाएंगे, ये 39-39 नंबर पर जो है यहाँ पे भी हो सकता है, जब फीमेल वाले में अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो ज़रूर ही आगे जाएंगे, बट आपको ये UR फीमेल वाले में मुझे नहीं लगता है कि सीटें उतनी आगे जाएंगी, क्योंकि UR में फीमेल मिल जाएंगी, EWS वाले में हो सकता है सीटें आगे जाए, बट यहाँ पर UR वाले में सीटें मिल जाएंगी, BC फीमेल वाले में भी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सीटें आगे जा सकती है, बट यहाँ भी कट ऑफ गिरेगा। तो बाकी देखिएगा जब ये प्रोविजनल रिजल्ट आता है तो आखिर किस तरह का कट ऑफ आखिर डिक्रीमेंट होता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी अभी जो यहाँ पे TRE1 का जो आप लोग का जो आज 10 तारीख है, यानी कि 10 नवंबर तक ही टैग स्कूल का था, आज यहाँ पे लगभग वो जो वहाँ से आपको स्कूल से बिरमन पत्र जो है वो सब मैं समझता हूँ कि आप लोग को मिल गया होगा, तो यानी कि कल 11-12 मेरे ख्याल से ऑफ ही है, क्योंकि इसका कोई डेट मेंशन वैसा नहीं है कि कल क्या होगा, बाकी 11-12 ऑफ ही है, यानी कि 13 से आप लोग को निश्चित रूप से वहाँ पे आपको BRC एक बार विजिट करना होगा, वहाँ पे क्या कैसे होता है वो आपको पता चलेगा, या तो वहाँ पे फिर 2-4 दिन का हो सकता है कि ट्रेनिंग हो, बाकी यहाँ पे कल से आपको विद्यालय आवंटन का जो प्रोसेस है ये हर जिला में शुरू लम से हो गया है। मैं देख रहा हूँ अलग अलग जिलों का अलग अलग उन्होंने अपना डेट रखा है, किसी जिले में 1-5 से ये सीटों का एलोकेशन शुरू हो रहा है विद्यालय देने का, किसी जिले में 11-12 से शुरू हो रहा है, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है। कुल मिला के आपको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जो आपका जिला का बना हुआ है उसमें आप जरूर ज्वाइन होंगे, तो उसमें आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, या बाकी मुझे कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस चैनल पर बताऊँ, बाकी मेरा जो टेलीग्राम वाला जो चैनल है उस पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, इस बहाली से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। बाकी अब जो अगला वीडियो आएगा मैं आपको TRE2 से रिलेटेड कुछ बताऊँगा कि कैसे क्या आपको इसमें प्रिपरेशन रखना चाहिए, कोशिश करूँगा रहेगा कि मेरा ये कल ये वीडियो आ जाए, ताकि मैं जो अब मैं समझता हूँ कि एग्जाम के भी लगभग लगभग 1 महीने हैं, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी है जो CS वालों को मुझे लगता है कि करानी चाहिए वो भी मैं आपको कराऊँगा। बाकी बस यही सब है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।